Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, students. I'm your English teacher, Nawidullah. Today, we will do some of the activities and grade 6. So, let's start this. Dear students, पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और बाद में आप लोगों के लिए होमवर्क है जहां पैराग्राफ में खाली जगहों को पूर करनी है. सो गेट रेडी. द हनी बी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट. द हनी बी लाइव्स एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी अनलाइक अदर इंसेक्ट्स विच लाइव अलोन. दीज बीज लाइव टुगेदर इन अ बी कॉलोनी. द क्वीन बी is the head of the colony. She is larger than the rest of the bees. Her main task is to lay eggs in the colony. Other bees are the worker bees. These worker bees collected nectar and pollen from flowers. The nectar collected by the worker bees is deposited on the hive. Then it is converted into honey. After that, these bees cover this honey in the honey cell with a wax cap. The third type of bee found in the colony is the drone or male bee. Honeybees have a strong sense of smell. They use this sense to find their food and communicate with each other. They perform the waggle dance when they find a food source. तो बच्चों, आप लोगों के लिए पेज नंबर 72 पर पहला होमवर्क क्लोज पैराग्राफ है. तो पहले क्लोज के बारे में अपने आप को समझाएं और फिर होमवर्क करें. क्लोज के माने है किसी इबारत में से छुपे हुए लफ्ज को पुर करने की मशक. तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूं है. कंप्लीट द गिवन क्लोज पैराग्राफ बाय यूजिंग द वर्ड बे. यानी दी गई अल्फाजों की मदद से क्लोज पैराग्राफ को मुकम्मल करें. बच्चों, आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क पेज नंबर 72 पर है जहां पर आप लोग अल्फाज के उर्दू में माने लिखेंगे. तो पहले नंबर पर है वेगल, दूसरे नंबर पर स्टॉकी, थर्ड नंबर पर हीलिंग, फोर्थ नंबर पर इवोपरेट और फिफ्थ नंबर पर इंडीड है. हमारा अगला टॉपिक सिनोनिम है. सो व्हाट इज सिनोनिम. सिनोनिम क्या है, इसको उर्दू में मुतरादिफ भी कहते हैं. अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड इज कॉल्ड सिनोनिम. वो लफ्ज जो दूसरे लफ्ज के माने को बयान करे उसको हम सिनोनिम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैट, हैट की सिनोनिम डिसलाइक है. ट्राई, ट्राई की सिनोनिम एफर्ट है. कैच, कैच की सिनोनिम सीज है. तो बच्चों, आप लोगों के लिए पेज नंबर 73 पर अल्फाज के सिनोनिम लिखने हैं. नंबर 3, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ थीसरस एंड राइट देम इन योर नोटबुक. इन अल्फाज के सिनोनिम यानी मुतरादिफ लिखनी है
अपने नोटबुक में और डिक्शनरी को भी तलाश करनी है। तो वो अल्फाज ये हैं, डेंजर, मेंबर, डिलीशियस, क्रिएचर एंड वर्कर। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ज़रूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट की कि वो एक मतलब को पूरा करे। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? एन इंट्रांजिटिव वर्ब नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको मतलब मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब की मिसालें कुछ यूँ हैं। नंबर फर्स्ट, हनी बीज मेक हनी। नंबर सेकंड, शी लाइक्स बनानास। नंबर थर्ड, आई बॉट अ कार। ये ऐसे वर्ब थे जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती थी, यानी एक मतलब पूरा करने के लिए। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। नंबर फर्स्ट, सना वॉक्स। नंबर सेकंड, अली एंड असद लाफ। नंबर थर्ड, दे अराइव्ड। ये ऐसे वर्ब थे जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती एक मतलब को पूरा करने के लिए। आप लोगों के लिए पेज नंबर 74 पर होमवर्क है। नंबर टू, रीड द गिवन वर्ब्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स, देन यूज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड योर ओन सेंटेंसेस एंड योर नोटबुक। आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अपने कॉलम में लगाना है और बाद में इन पर फकरे बनाना है। शुक्रिया।